जहां पर बिहार में पोस्टर पर वार हो रहा है। बिहार में पोस्टर वार पर एक बार फिर प्रशासन का डंडा चला है। पटना एयरपोर्ट के सामने और आसपास के इलाकों से बीजेपी के पोस्टर हटाए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि सभी पार्टियों के पोस्टर को हटाया गया है, किसी भी सूरत में नियमों का पालन होगा। पटना में तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होने हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस तरह से पोस्टर को लेकर एक बार फिर प्रशासन का डंडा चला है और पटना एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। किस तरह से बिहार निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग का ऑर्डर आया था, इसीलिए यहाँ से बैनर हटाया जा रहा है, रात से ही हटाया जा रहा है। सभी पार्टियों का डीएम के तरफ से ऑर्डर है, हाँ तमाम पार्टियों का। प्लीज प्लीज अभी काम करने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूँगा। चुनाव आयोग के आदेश में हो रहा है या फिर आपको पता है अभी चुनाव चल रहा है तो उसके आधार पे जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश होता है उसको सभी को पालन करना होता है, तो वही हम लोग पालन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये आदेश पारित किया कि हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन के निर्देश के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है, चुनाव के समय में होता है, इसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए के नेताओं ने आज पटना के बीजेपी ऑफिस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे, बिहार एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बिहार आरएलएसपी के अध्यक्ष अरुण कुमार और बिहार हम के अध्यक्ष अकुनी चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान चारों पार्टियों के अध्यक्ष ने एक सुर में चुनाव कार्य में लगे अफसरों पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। एनडीए नेताओं का कहना था कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि सरकार के लिए। इनकी मांग थी कि बिहार निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई करके चुनाव कार्य से हटाए। बैठे हुए लोग अपनी हार को सुनिश्चित देख रहे हैं तो फिर से अपराधियों के बल पर मतदाताओं को भयभीत करना, प्रत्याशियों को भयभीत करना, डर और भय का माहौल पैदा करना और डर और भय का माहौल पैदा करके चुनावी व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करना, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा करना जिससे निर्भीक और निष्पक्षतापूर्ण मतदान मतदाता न कर सकें, ऐसा प्रयास बिहार की सरकार के द्वारा और उनके कुछ अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। हम लोग हर घटनाओं की जानकारी चुनाव आयोग को लगातार दे रहे हैं। जहां हमारे वोट होते हैं वहां पर उनके जो कर्मचारी हैं चुनाव में लगाए गए हैं वो तो वोट को शिथिल करते ही हैं, और जो उनके एसपी डीएसपी और मैंने जो कर्मचारी लोग हैं, बड़ी शर्म आती है कि ये पदाधिकारी सरकार के वफादार नहीं हैं, ऐसे लोग लीडरों के वफादार हो गए हैं, जो एक शर्म की बात है। होना चाहिए सरकार का वफादार, इलेक्शन कमीशन का वफादार, इलेक्शन कमीशन के हाथ में वो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डंडा नहीं खड़कने के कारण ये लोग अपनी मनमानी पर रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी को आज ही सस्पेंड करें और नहीं तो कम से कम इसको लाइन हाजिर करा दें, क्योंकि कल के चुनाव में ये भारी धांधली कर सकते हैं। टेकारी की घटना कल की घटना है, नवादा की घटना जैसा कि अरुण ने कहा, तो इस ढंग से प्रशासन नाम की चीज को बिहार में लग नहीं रहा है। और नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी बौखला गए हैं या कहीं तो पगला गए हैं, कि एक तरफ से अपनी हार को स्वीकार करते हुए जितना एनडीए का उम्मीदवार है सब पर किसी न किसी रूप से वो हमला करवा रहे हैं। परिणाम जो आने वाले हैं उसका साफ संकेत है कि सत्ता पक्ष के लोग घबराए हैं, हताशा हैं, हताशा के शिकार हैं और अधिकारियों की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। टिकारी में हुआ सपनी बाबू ने बतलाया है, मैं खुद स्पॉट पर गया था घटना की सूचना मिलने के बाद, मीडिया के लोग भी वहां गए, पत्थरों का अंबार सड़कों पर, एक पुलिस जीप वहां लगी हुई है जो फुटेज किसी ने कैमरे में लिया है, कई जगह व्हाट्सएप पर भी गया है,
साफ पुलिस जीप उस भीड़ में है, पुलिस नहीं दिख रही है, अगल बगल खड़ा होकर के वो इंस्टिगेट कर रही है मॉब को, मारो मारो मारो। और डीएसपी ने कहा कि अब काम हो गया, तुम लोग निकलो। ये सारी बात फुटेज में आई है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ और मुकामा विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने आए एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। पासवान ने अनंत सिंह के निर्दलीय लड़ने पर लालू नीतीश की जोड़ी पर और विधि व्यवस्था पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ मोकामा से एलजेपी उम्मीदवार कन्हैया सिंह को जिताने की लोगों से अपील भी की। इस दौरान रामविलास पासवान के साथ एलजेपी नेता सूरज भान सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने अनंत सिंह पर निशाना साधा। नीतीश कुमार का दोनों मिल गए। लालू यादव कहते हैं हम क्या करें, हमको जहर पीना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार कहते हैं बड़ा भारी चौपा चंदन विश्वापद नहीं लिट्टी रात भजन जो है उत्तम प्राकृतिक क्या करी सर। तो ये है अपने को चंदन बना रहे हैं और उनको बना रहे हैं साफ भ्रष्टाचार को मिल जाएगी। कहां भैया भ्रष्टाचार, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी आती है राहुल गांधी आता है बिल्कुल मंच पर बैठेंगे देता है। ये नीतीश कुमार कहता बढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, ये बिहार को क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि करेंगे बेटा को पढ़ाने सके या बिहार को पढ़ाएंगे।